तो ये इस बैठक का सीधा ताजा लेटेस्ट वीडियो अभी आपने देखा सीधे व्हाइट हाउस से, और ये वीडियो देखने के बाद इसका छोटा सा विश्लेषण हम आपके लिए कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 71 वर्ष के हैं और जो बाइडेन 78 वर्ष के हैं। दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद। कैमरे के सामने अभी आपने उनकी पूरी बातचीत सुनी, और आप लोग भी कई बार सोचते होंगे कि इतने बड़े जो जब दो नेता मिलते हैं तो वो आपस में क्या बात करते होंगे, क्या वो आम लोगों जैसे ही बातचीत करते हैं या इनकी बातचीत कुछ बाकी लोगों से अलग होती है। तो यहां आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े नेता भी जब शुरू में एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे हम और आप बात करते हैं, जैसे आम लोग बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, अपने मन की बात उनसे कहते हैं। और कैमरे के सामने आज आपने देखा, इसलिए हमने पूरा वीडियो अनकट चलाया आपके लिए, कि दोनों एक दूसरे से किस तरह की बात करते हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा जो बाइडेन ने उनके साथ मजाक किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस मजाक की बातों से पहले माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाया, पहले माहौल को थोड़ा कैजुअल बनाया। गंभीर माहौल रखने की कोशिश दोनों ने ही नहीं की, दोनों ही बहुत अच्छे मूड में हैं। और ये तो कैमरे के सामने बातचीत हुई है, इसके बाद जो असली बातचीत होगी वो होगी बंद कमरे में, जिसके बारे में शायद हमें और आपको कभी ठीक से पता नहीं चलेगा। लेकिन जो सामने बात हुई वो अभी आपने सुनी है। जो बाइडेन अपने साथ नोट्स बनाकर लाए थे, उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, एक नोट पैड जैसी चीज थी, और वो उसमें से पढ़कर वो अपनी बात बता रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो वो बिना देखे और बिना नोट्स के बात कर रहे थे। और अभी आप जो सीधे तस्वीर देख रहे हैं, ये विजिटर्स, जो विजिटर्स बुक है उसमें प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं, अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, और सीधे तस्वीरें आप ये व्हाइट हाउस से इस समय देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। That chair is occupied by the Vice President of the United States. It's easy to hear. Yes. We've been proud. I'm proud too. Please. I think what we're going to do is bring in the press. The Indian press is much better behaved than the American press. I gotta watch out, they'll knock one another down. And I think, with your permission, you should not answer questions because they won't ask any questions on point. Okay. All right, and I have a brief opening statement. I'm going to just say a few things and then turn it to you, Prime Minister, and go from there. Okay. All right.
Well, welcome. I want to welcome my friend, and we've known each other for some time, back to the White House. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी. हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य जो हैं अभी सुदृढ़ हो जाए. When I showed the Prime Minister to his seat, I pointed out that seat is occupied almost every day by Indian Americans. जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारे उपराष्ट्रपति बैठते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं. वाइस प्रेसिडेंट्स मदर वाज फ्रॉम इंडिया, साइंटिस्ट एंड रिमार्केबल वुमन. उपराष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी. As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकल सकता है. In fact, back in 2006, I set that hope out. I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और दरअसल मैंने तो 2006 में ये बात कही जब मैं उपराष्ट्रपति था. मैंने उसी समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे. Maybe I shouldn't. These are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपने शुरुआती पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था. And afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से आप एक बार आपसे मिलने का मौका मिला. It indeed is a matter of great happiness for me that I again, once again, have an opportunity to meet you. All right, come on. Right there. That chair is occupied by the Vice President of the United States. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.